हाय फ्रेंड्स, जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है एक ट्रांसमीटर और रिसीवर एक्चुअल में कैसे काम करता है। कोई भी डिजिटली इन्फॉर्मेशन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचा सकते हैं या कैसे सेंड कर सकते हैं, तो हम देखने वाले। ये जो आप देख रहे हैं ये टू सर्किट हमने तैयार किया। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, पहला जो सर्किट है ये एक ट्रांसमीटर का सर्किट है जिसमें हमने एक ट्रांसमीटर मॉड्यूल इसमें यूज किया। तो ट्रांसमीटर मॉड्यूल कैसे काम करता है, किसी भी डिजिटली इन्फॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट करेगा। एक सर्किट और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये सर्किट है एक रिसीवर मॉड्यूल है। रिसीवर मींस जो भी ट्रांसमीटर डेटा सेंड करेगा वो डेटा आपका पिक्चर फॉर्म या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो डिजिटली फॉर्म में होगा। ठीक है, तो डिजिटली फॉर्म में आप ट्रांसमीटर के माध्यम से रिसीवर तक कोई भी डेटा कैसे सेंड करोगे। तो ये जो एलईडी हमने यहां पर लगाई है ये इंडिकेशन के लिए हमने लगाई है। तो देखते हैं, ये एक रिसीवर सर्किट है और ये एक ट्रांसमीटर सर्किट है। तो अभी देखते हैं कि हम किसी भी डेटा को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आइए देख लेते हैं। अभी टू सोर्स हमें चाहिए होंगे, टू पावर सोर्स हमें यहाँ पर चाहिए होंगे, एक रिसीवर को चलाने के लिए और एक ट्रांसमीटर को चलाने के लिए। तो देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैटरी 3.7 वोल्ट की बैटरी हमने लिया। तो ये जो बैटरी है अभी हम इसे एक रिसीवर सर्किट में लगाने वाले। तो ये जो रिसीवर सर्किट आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर का, इसमें हमने ये बैटरी कनेक्ट करनी है। तो देखिये इसमें हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दिया और अब जो सेकंड देखने वाले, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये एक ट्रांसमीटर का सर्किट है, इसमें भी हम बैटरी कनेक्ट करने वाले। अभी यहां पर हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जो हमने डेटा के लिए एक वायर लिया है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसे हम सेंड कर सके, तो हमने एक पॉजिटिव करंट ही देना है क्योंकि जो डेटा होता है वह 0-1 फॉर्म में होता है। 0 मीन्स जो पावर होगी वो ऑफ होगी, मतलब 0 होगा। ठीक है, और 1 मीन्स हम पॉजिटिव सिग्नल हम देने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए हमने एक रेजिस्टेंस के माध्यम से हम इसे डेटा सेंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी देखिए ये ट्रांसमीटर है ये वाला और ये रिसीवर है। तो अभी ट्रांसमीटर से हम ये वायर टच करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम टच करते हैं तो वहां पर इफेक्ट होता है। जो रिसीवर, रिसीवर साइड आपको देखने को दिख रहा होगा, देखिए ये इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाता है। तो जैसे ही हम डेटा सेंड करते हैं तो वहां पर भी एक डेटा चला जाता है 0 और 1 फॉर्म में, क्योंकि ये डिजिटली मॉड्यूल है तो डिजिटली मॉड्यूल एक्चुअल में ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे ही मैं यहां पर 0 करता हूं, 0 मींस यहां से यहां टच नहीं करता। ठीक है, ये 0 है तो वहां पर 1 होता है, और जैसे ही यहां पर मैं 1 करता हूं, 1 मींस मैं पॉजिटिव करंट यहां से अप्लाई करता हूं तो वहां पर 0 हो जाता है, और जैसे ही मैं यहां से 0 अलाउ करता हूं तो वहां पर 1 हो जाता है। तो ये इन्वर्टर की भांति वर्क करता है, जैसे इन्वर्टर काम करता है, जैसे कि जो हमारा सिग्नल का फेस है वो 180 डिग्री चेंज कर देता है। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही हो रहा है, जब यहां पर 1 हम सेंड करते हैं उसी टाइम वहां पर 0 हो जाता है, और उसी टाइम यहां पर 0 सेंड करता है तो वहां 1 हो जाता है। तो ये जो सर्किट है बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करना चाहते हैं एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के माध्यम से तो आप कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा आपको कि ये कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। तो देखिए यहां पर जैसे ही मैं टच करता हूं तो वहां पर डेटा सेंड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसकी जो रेंज है वो रेंज आप इंक्रीज कर सकते हैं इसके अंदर एंटीना इंक्रीज करके, या फिर कोई भी एंटीना यदि आप बढ़ाओगे या कम ज्यादा वो एंटीना पे डिपेंड है कि आप इसकी रेंज कितना करना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर अभी मैं निकाल के दिखा देता हूं। ये जो ट्रांसमीटर देख रहे हैं इस ट्रांसमीटर में 4 टर्मिनल हमें दिए हुए, एक एंटीना, तो वीडी एंटीना, एंटीना आप कितना भी ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड है, आपके सर्किट पे डिपेंड है कि आपकी ट्रांसमीटर की और रिसीवर की कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो एंटीना एक जो आपका कॉम्बिनेशन आपने सर्किट का बनाया होगा उस पर डिपेंड है। और ये जो आप देख रहे हैं वीडीडी, वीडीडी मीन्स आपको +3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक देना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बैटरी का 3 वोल्ट या 5 वोल्ट आप यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं डेटा मीन्स अभी यहां पर हमने पॉजिटिव सिग्नल टच किया था। ठीक है, तो ये एक डेटा 0101 फॉर्म में अप्लाई हो गया था जो रिसीवर तक पहुंच गया था। ठीक है, तो डेटा आप कोई भी पिक्चर, इमेज, टेक्स्ट, किसी भी सिग्नल में आपकी फॉर्म में जो डेटा हो सकता है। ठीक है, तो डेटा कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आपके सर्किट पे डिपेंड है या फिर आप पे डिपेंड है कि आप डेटा क्या सेंड करना चाहते हो ट्रांसमीटर टू रिसीवर। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक ग्राउंड, GND, ग्राउंड इट्स मीन कि यहां पर हमें नेगेटिव वोल्टेज देना होगा। नेगेटिव मतलब बैटरी का जो ब्लैक वायर होता है जो नेगेटिव होता है उसे हम ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ग्राउंड करना होगा। तो ट्रांसमीटर के जो कनेक्शन है शायद आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। तो अभी सेकंड हम बात करते हैं, ये जो रिसीवर का मॉड्यूल आप देख रहे हैं, एक्चुअल में रिसीवर का मॉड्यूल जो है
देखिए अभी मैं निकाल लेता हूँ इसका। तो देखिए 4+4 तो 8 पिन इसके अंदर दी गई है, लेकिन कुछ पिन इसमें कॉमन दी गई है। तो कुछ पिन कॉमन दी गई है उसे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एंटीना, तो एंटीना आपको क्लियर हो गया कि एंटीना एक्चुअल में कैसे काम करता है। जैसे ही आप रिसीवर पर या ट्रांसमीटर पर एंटीना लगाते हैं तो उसकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी कैच करने की वो इंक्रीज हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर है ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स आपको जो ग्राउंड देना होगा सिंपल सा, आप माइनस वोल्ट आपको बैटरी का यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो आप इस टर्मिनल पर भी दे सकते हो और इससे भी, ये दोनों जो टर्मिनल है ये ग्राउंड के है, ठीक है। और ये प्लस 5 वोल्ट आप दे सकते हो। +5 वोल्ट मीन्स जिससे आप जो भी सोर्स पावर सोर्स यूज कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर बैटरी यूज किया था, आप +5 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं या तो 5 वोल्ट आप इस साइड दे दो या फिर इस साइड दे दो, आपको एक साइड 5 वोल्ट देना है, ठीक है। और ये डेटा जो भी हम ट्रांसमीटर से डेटा सेंड करने वाले हैं, देखिए ट्रांसमीटर से हम जो डेटा सेंड कर रहे थे 010101 ऐसी डिजिटली फॉर्म में, वो डेटा हमें रिसीवर तक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये डेटा इन 2 पिन जो आप देख रहे हैं, इन 2 पिन से कोई सी भी पिन से आप एक से सिंगल से निकाल सकते हो। और ये ग्राउंड मीन्स आपको बैटरी का कनेक्ट करना होगा, या तो इस साइड आप कर सकते हैं या फिर इस साइड, यदि आप डेटा ले रहे हैं तो आप ग्राउंड इस साइड से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है और मॉड्यूल है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं तो आप ये 2 मॉड्यूल्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।